गाजियाबाद में नव नियुक्त एसएसपी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने आप ही सुनिए। विजयनगर में एक शख्स को कार में बैठाकर लूटपाट की गई है। एटीएम से 1,00,000 रुपए निकालने की बात सामने है। मामला क्या है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, परसों की घटना है और एक व्यक्ति द्वारा एक कार में लिफ्ट ली गई और उसके द्वारा जो कार में बैठे लोग थे उनके द्वारा उसके साथ कुछ छीना झपटी की गई, उसके एटीएम से पैसे निकाले गए। इस संबंध में FIR दर्ज की गई है उसके तहरीर के आधार पे और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत जल्दी से वर्कआउट किया जाए। सर, नेशनल हाईवे 24 या उसके पास इस तरह से कार में शख्स को घुमाते रहते हैं और वहाँ पर पिकेट वगैरह भी होती है, तो जाहिर है कि कुछ सवाल जरूर खड़े होंगे। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने ये जो घटना हुई थी ये पहले भी घटना होती रही है इस तरह की और काफ़ी समय से ये घटनाएं हो रही है, चाहे नोएडा में होती हों चाहे हमारे यहाँ गाजियाबाद में होती है। उसका पॉइंट कहीं से लिफ्ट लेने का होता है और बाद में ये घटनाएं होती हैं और ये घटना लेट नाइट में ज़्यादा होती है क्योंकि लेट नाइट में सवारी नहीं मिलती है। तो इस पर मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ रात डिस्कशन किया है और किसकी कोई कार्य योजना बनाएंगे और ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे।